नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय AK यूट्यूब चैनल पर। RPSC फर्स्ट ग्रेड GK वाले पेपर के लिए ये छोटा सा टॉपिक है आपके लिए, नौकरशाही। चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, नौकरशाही को अफसरशाही भी कह सकते हैं, या फिर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ आपको तो किसी बड़े संस्थान को संचालित करने वाली प्रशासनिक संस्था क्या हो जाएगी? नौकरशाही हो जाएगी, या प्रशासनिक ढांचा जो कि किसी भी संस्थान को संचालित करता है, मशीनरी मान लीजिए उसकी, ठीक है। अब ये जो नौकरशाही जो शब्द है, ये अंग्रेजी के शब्द ब्यूरोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। ये ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से बना, जिसका अर्थ होता है लिखने की मेज या डेस्क। इतनी चीज तो समझ लीजिए, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से बना, जिसका अर्थ होता है लिखने की मेज, और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। अब यहाँ पे देखिए, नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यदि पूछा जाए परीक्षा के अंदर, तो विंसेंट डी गोर्ने ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया 1745 में, ठीक है। तो नौकरशाही शब्द को प्रयोग करने का सबसे पहले श्रेय जाता है विंसेंट डी गोर्ने को। नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन पूछा जाए किसने किया, तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया। सबसे पहले प्रयोग विंसेंट डी गोर्ने, और व्यवस्थित अध्ययन मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट देखिए, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये जो किताब है ये किसकी है? मैक्स वेबर की है, 1920 में इन्होंने लिखी। इस किताब के अंदर मैक्स वेबर क्या करते हैं, आदर्श नौकरशाही के कुछ विचार देते हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैक्स वेबर की किताब है, इसमें ये आदर्श नौकरशाही के कुछ अपने विचार उल्लेख करते हैं। अब यहाँ पे आदर्श नौकरशाही की यदि बात आ गई है, तो मैक्स वेबर के अनुसार उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, कि उस व्यवस्था के अंदर एक निश्चित कार्य प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है, पद सोपान पद्धति होनी चाहिए, उच्चस्थ अधीनस्थ ये व्यवस्था होनी चाहिए, पेंशन और वेतन का अधिकार होना चाहिए, आधिकारिक उनका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, और स्पष्ट श्रम विभाजन होना चाहिए। कार्य का स्पष्ट श्रम विभाजन होना चाहिए, पद सोपान पद्धति होनी चाहिए, वो जाके क्या होगी, एक आदर्श नौकरशाही के रूप में उसे देखा जा सकता है, ठीक है, ये मैक्स वेबर ने कहा। नेक्स्ट देखिए, भारत में लोक सेवाओं के रूप में नौकरशाही को जाना गया। तो लोक सेवाएं यहाँ पे मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं, एक अखिल भारतीय सेवा, दूसरा केंद्रीय सेवा, और तीसरा राज्य स्तरीय सेवा या राज्य सेवा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्तमान में बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो देखिए तीन प्रकार की हैं मोस्टली, IAS, IPS और IFS, ये तीन प्रकार की सेवाएं हैं वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं के मध्य, ठीक है। अब भारतीय इंजीनियरिंग सर्विसेज भी होने लग गया, IES भी होने लग गया अब, है ना। तो IAS, IPS और IFS, तो देखिए पहले ICS था, IAS से पहले क्या था, ICS, फिर 1947 में ये बन गया IAS। वैसे ही IFS की स्थापना हुई थी 1966 में, भारतीय वन सेवा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 के अंदर। अब एक और प्रश्न आता है कि पूंजीवादी नौकरशाही का आदर्श मॉडल किसने दिया, तो मैक्स वेबर ने दिया पूंजीवादी नौकरशाही का आदर्श मॉडल। मैक्स वेबर राजनीति का आधार क्या मानते हैं, मैक्स वेबर राजनीति का आधार नौकरशाही को मानते हैं। मैक्स वेबर राजनीति का आधार किसको मानते हैं, नौकरशाही को। अब एक सामान्य सी बात हम ये कर लें कि नौकरशाही की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें एक निश्चित सेवा काल होता है, जो भी कर्मचारी या अफसर होता है उसका एक निश्चित समय होता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, ठीक है। दूसरा, राजनीति से तटस्थता रखते हैं ये, और ये एक तरीके से हम कहें तो प्रोफेशनल होते हैं। अब ये भी देखा जाता है इसमें भ्रष्टाचार भी पाया जाता है, लाल फीताशाही भी पाई जाती है, जिसके कारण फाइलें इधर से उधर घूमती रहती हैं और फैसलों में या कार्यों में देरी होती है, ठीक है। और विशेषज्ञों की यहाँ पे उपेक्षा होती है, क्योंकि जब आरक्षण या फिर पदोन्नति का जब मामला आता है, तो उसके अंदर पदोन्नति में जब आरक्षण दे दिया जाता है, तो वहाँ पे विशेषज्ञों की उपेक्षा होकर पदोन्नति
पदोन्नति किसी ना किसी को मिल जाती है, ठीक है, और अपराधियों से गठजोड़ हो जाता है, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है इसके अंदर। तो ये भारतीय नौकरशाही की कुछ विशेषताएं जो सामान्यतया हमें एक तरीके से गलत व्यवस्था की ओर प्रदर्शन कर रही है, कि जैसे जो भ्रष्टाचार हुआ और लाल फीताशाही हुई, ये सब एक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये भारतीय नौकरशाही में ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पर है पूछा जाए तो देहरादून में है। अब इसका नाम हो गया लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। तो यदि यही पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर बताएंगे हम, देहरादून के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है हैदराबाद के अंदर। मैक्स वेबर की यदि हमने बात की थी अभी, तो मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उच्चस्थ व अधीनस्थ के मध्य अधिकार व शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। मैक्स वेबर कहते हैं कि भाई नौकरशाही में जो उच्च पद पर बैठे होते हैं, जो उनसे नीचे जो काम करते हैं, उनके बीच में उनके अधिकार और उनकी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है या होना चाहिए, ठीक है, वही आदर्श नौकरशाही के रूप में हम उसे देख पाएंगे। दूसरा, कानून का कठोरता से पालन होता है नौकरशाही में। पदोन्नति योग्यता व अनुभव से मिलनी चाहिए, और व्यक्ति को महत्व नहीं पद को महत्व देना चाहिए। जिस पद पे व्यक्ति बैठा है उसमें व्यक्ति को महत्व नहीं उस पद को महत्व देना चाहिए। तो मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की ये कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एफ एम मार्क्स के अनुसार नौकरशाही के कितने प्रकार हैं। पहली बात तो यही प्रश्न आ जाता है कि मार्क्स ने कितने प्रकार बताए, ये कार्ल मार्क्स नहीं है। एफ एम मार्क्स ने यहाँ पे बताए चार प्रकार की नौकरशाही, जैसे अभिभावक नौकरशाही, ठीक है, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, इसे लूट प्रणाली भी कहते हैं। तो ये प्रश्न ऐसे कैसे पूछा जाता है, ठीक, तो एफ एम मार्क्स ने दी ये संरक्षक नौकरशाही लूट प्रणाली है। लूट प्रणाली निम्न में से कौन सी नौकरशाही है, संरक्षक नौकरशाही और गुणों पर आधारित नौकरशाही। ये चार नौकरशाही के ये चार प्रकार दिए एफ एम मार्क्स ने, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसमें प्रशासन के सुरक्षित भाग से सेवाएं जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया और आईईएस हो गया, इन सेवाओं को ले लिया जाता है। अब यहाँ पे केंद्रीय सेवाओं की यदि बात करें, तो उसके लिए एक आयोग है, संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग कह देते हैं, यूपीएससी कह देते हैं। इसी प्रकार जो राज्य की सेवाएं होती हैं, उनके जो सेवाकर्मी होते हैं, उनको भर्ती के लिए, उनके नियमावली के लिए, उसके लिए भी एक व्यवस्था है, जैसे राजस्थान में आरपीएससी की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये यूपीएससी केंद्रीय और आरपीएससी राज्य स्तर पर राजस्थान के, ऐसे सब राज्यों में ये राज्य स्तरीय सेवाओं के लिए ये एक प्रकार से गठन किया गया है इन आयोगों का। तो ये एक नौकरशाही के ऊपर छोटा सा वीडियो नोट था, जिसमें हमने ये कोशिश की है समझाने की कि भाई नौकरशाही है क्या और किसका इसमें ज़्यादा योगदान है। जैसे मैक्स वेबर के लिए हम कह सकते हैं कि ये जर्मन समाजशास्त्री हैं, इन्होंने नौकरशाही को व्यवस्थित अध्ययन किया। और ये अध्ययन करने वाले एक चीज़ और सुन लीजिए, कि ये पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नौकरशाही का व्यवस्थित रूप से क्या किया, अध्ययन किया। तो हमने ये चीज़ देखी, यहाँ पे नौकरशाही को समझा, नौकरशाही है क्या, किसने इसके चार प्रकार बताए, क्या इसकी विशेषताएं होती है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की क्या विशेषताएं होंगी। तो इसी प्रकार वीडियो नोट्स को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो नोट बनाते रहेंगे। वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।